हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे गूगल ड्राइंग्स की। गूगल ड्राइंग्स एक फीचर होता है माई ड्राइव के अंदर, जिसके द्वारा हम अलग ड्राइंग्स बना सकते हैं ऑनलाइन गूगल ड्राइव के ऊपर, और उसको शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे टीम मेंबर्स के साथ, काम कर सकते हैं साथ में, और इससे हम काफ़ी सारे कोलैबोरेटिव वर्क कर पाते हैं। सो आइए देखते हैं कैसे इसे यूज़ करना है। तो माई ड्राइव में घुस के जब हम प्लस न्यू में जाते हैं, यहाँ पे हमको गूगल ड्राइंग्स बनाने का ऑप्शन आता है। सो यहाँ से हम ड्राइंग्स बना पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हमें बनाने हैं, काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे बना पाते हैं। सो गूगल हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है इमेजेस अपलोड करने के, या साइजेस, या शेप्स बनाने के। सो यहाँ से हम इस तरीके से अप्लाई करके अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में चीज़ें बना पाते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पे हम कर पा रहे हैं। और फिर इसके अंदर हम फिल भी कर सकते हैं डेटा इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमारे डायग्राम्स बन सकते हैं, जिनको हम फिर यूज कर पाते हैं अपने काम में, और शेयर कर पाते हैं और कोलैबोरेट कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ। अगर हमें दूसरे लोग ऐड करने हैं अपने ड्राइंग्स में, जो हमारे साथ संग साथ में काम करेंगे, तो उनको हम शेयर कर देते हैं ये डॉक्यूमेंट, और उनको हम यहाँ से ऐड कर पाते हैं। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट का एक्सेस भी दूसरे लोगों को दे सकते हैं। अलग अलग एक्सेस लेवल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे व्यू एक्सेस, कमेंटर या एडिटर एक्सेस मिल जाता है, जिससे हम दूसरे लोगों को अपने ड्राइंग्स के एक्सेस दे सकते हैं, और उनको वो उन पे वो काम कर पाते हैं, कमेंट कर पाते हैं। ड्राइंग पे काम करने के बाद इसको हम ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है माई ड्राइव के अंदर, और इसको हम बाद में सर्च कर सकते हैं और इसको वापस एक्सेस करके काम कर पाते हैं। सो इस तरीके से सर्च इन ड्राइव में घुस के हम सर्च कर लेते हैं ड्राइंग को फिर से, और उसको एक्सेस कर पाते हैं। आई होप दिस मेक सेंस। सबको समझ में आया कि गूगल ड्राइंग्स किस लिए यूज होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, और क्या क्या दूसरे फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग इन टू दिस सेशन टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।